दोस्तों मेरे बैग में मेरे स्केट्स, आप बोलो तो मैं चला के दिखा दूं, यहीं पे रोला जमा दूंगा। रोला पानी नहीं आ रहा, पी क्या रहे हो? मैं और पानी में घुस जाऊंगा स्केट्स पहन के। अभी दिखाता हूँ आपको 2 मिनट में। दोस्तों यहाँ पे किसी की माही किसी के पारस के साथ मिल गई थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ऐसे कौन ही फाड़ दूंगा, मुंह फाड़ दूंगा उसके अंदर। राम राम भाई, सभी को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ घूमना, और जैसे जैसे घूमते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल चाय से शुरुआत हो रही है दिन की, और मेरे पीछे 2-4 सुअर ही कह दें आ रहे हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं हम यूनिवर्सिटी के मेन रास्ते पे। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है हमें पैदल चलते चलते। अब बेचारे को इसे ऑलमोस्ट का मतलब नहीं पता, कोई कमेंट सेक्शन में बता दो इसे। ये स्कूल के पीछे पड़ा है ना, और ऐसा बहुत है ना। अरे यार स्कूल ही अपना है, स्कूल ही अपना है। हाँ मार है बहुत स्कूल ही अपना घर बना दे मार तो। अरे भैया फूल दिखाओ भाई, फूल देखो आप। फूल देखने के लिए तो आगे जा रहे हैं ना। अरे वो आया तो गार्डन दिखाओ भैया, यही वाले फूल दिखा दूं। ये फूल देख तो रहे, ये फूल देख तो रहा हूँ मैं। पीछे देखो पीछे, तो ये आ गया रोज गार्डन। ये फूल, अरे ये फूल है, एक ये फूल है दोस्तों, और एक ये फूल है। अबे चल इधर को। ये देखो दोस्तों काफिला ही काफिला है यहाँ पे। तो गाड़ियों का, गाड़ियों में शो ऑफ ज्यादा होती है इधर, बाकी कुछ हो ना हो। ये है भाई मेन गाड़ी इधर की। इसे मॉडिफाइड करा लो। एक है मस्त क्लासिक जीप इधर, जो अब दिखनी बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो मस्त दिख रही है ये क्लासिक। वो लग रही है, और डेक रखो बंद। डेक ना बूफर है वो, डेक वो होगा जिसमें गाने बजे हैं, जो वो साउंड वो उनका। स्कॉर्पियो, यो थार, और यो अपना यार, और यो मोटा भाई, और कहता है मुझे गवार। दोस्तों हम बैठ चुके हैं बस में, और अपने पास बनवाया 75 रुपये का एक पास बनाए, और यहाँ 4 लोग हैं। अब पूरे दिन रोला काटेंगे बस में, पूरे दिन। ऐसा सिर्फ कह रहे हैं हम, 2-3 बार घूम के वापस आ जाते हैं। चोरी करके भागा है, चोरी बच्चा चोरी कर लेता है। दोस्तों बस हम पहुँचने वाले हैं भारत रॉक गार्डन में। पत्थर 2 पत्थर ये बैठे। हाँ भाई दोस्तों पहुंच गए, असी पहुंच गए रॉक गार्डन। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ऐसे कौन फाड़ दूंगा, मुंह फाड़ दूंगा मेरे से ब्लॉग बनाओगा तो। हम पहुंच गए दोस्तों रॉक गार्डन, पहुंच गए हम। अब हम रॉक देखने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैराथन चल रही है बढ़िया, और यहाँ पे मैराथन रनिंग चल रही है। यहाँ पे देख लो पीछे, हम भी मैराथन में भाग इससे ले लो। वेरी गुड यार। दूसरा चैनल बता दो अपना टाइप के लगा। तुम भी ये कुछ ना हो भाई साहब, तो रोड इतनी चौड़ी है मुरादाबाद में, और बजरियाँ पड़ी रहती हैं साइड में, अलग अलग होते हैं दोनों। तो दोस्तों हम रॉक गार्डन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मैराथन हमने कंप्लीट कर ली है पूरी। 10 किलोमीटर में भागा हूँ, ये 1 किलोमीटर भागा, 9 किलोमीटर बाइक पे आया है। और जो पीछे वाले 2 हैं ये तो घिसटते हुए आए हैं हमारे पीछे। हम रॉक गार्डन के एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे हम रॉक्स देखने। और आगे 2 रॉक रखे हुए हैं वहाँ पे। अब देखते हैं हम अंदर जाके रॉक, और रॉकिंग वीडियो बनाते हैं आपके लिए। बूम बम। दोस्तों टिकट ले लिया है रॉक गार्डन का। एक टिकट पड़ा है हमें 30 रुपये का एक। और यहाँ 4 पत्थरों को देखने जा रहे हैं। फीलिंग पर ये देखो, इसे देख लो, बात तो इसे ही देख लो पहले। अब अंदर जाके मिलते हैं आपसे। भैया मैं तो एक्सिट हो रही हूँ। तो दोस्तों हम रॉक गार्डन के अंदर आ चुके हैं। 1 रॉक 2 रॉक 3 रॉक। ये कंपनी है, ये ब्रांडेड। तो दोस्तों पत्थर ही पत्थर देख लो, पत्थर ही पत्थर देख लो, पत्थर। ये देखो दोस्तों, अरे स्केट तोड़ेगा मेरे पे ही कैसे। रॉक गार्डन में इतने रॉक देखने के बाद मजे लो। यहाँ पे दोस्तों रॉक ही रॉक्स हैं, अलग अलग रॉक्स। टाइल लगी हुई है। ये देखो दोस्तों अलग अलग ब्रांडेड टाइप के पत्थर। कौन सा पत्थर आपको पसंद है? सॉकेट है। आपको कौन सा पत्थर पसंद है आप बता सकते हो मुझे? प्लीज डू नॉट राइट ऑन द वॉल। ये पत्थर ही पत्थर है। एक पत्थर ये रहा। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो श्री लेट नेकचंद जी ने यूज करे थे। देखो आगे चलो, लेट्स गो। ये बनाया हुआ पत्थर से लिखा है। और राइट वाले ये देखो उधर पढ़ना इंग्लिश में। इंग्लिश हाथ से पता 1947 इंग्लिश हाथ से नाम है। अरे भैया ये क्या मतलब है भैया बताइए? मूर्ति है भगवान जी की जो बनाई गई है। ये तो वो लग रहा है पुराने जमाने के पत्थरों से पूजने के लिए बनाए गए थे। हम आगे चलेंगे। अब इसे कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी यही चिक-चिक कर रहा। आओ दोस्तों अब हम आगे जाते हैं इस रॉक गार्डन की गुफा में। इधर लेफ्ट लेफ्ट इधर भी जा सकते हैं। उधर देख क्या हो गया पहले? नो एंट्री है इधर से। तो भाई घूमे नहीं, हर जगह नहीं घूमे। बताओ यहाँ पे जा रहे हैं हम अब आगे। ये नाली नाली दोस्तों ये देख सकते हो आप, पत्थर ही पत्थर है। भी पत्थर, पतले पत्थर, मोटे पत्थर। तुमने क्या देखे? पतले पत्थर, पत्थर छोटे पत्थर, बड़े पत्थर। इसमें नीचे को जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ो। इसमें को नीचे को जाना है, इस वाले रास्ते में को निकल विकास। इसमें कुछ आना दोस्तों, तो हम गुस्सू के अंदर और बाहर आना पड़ा हमें। कीड़ा उठ गया, कीड़ा। हाँ क्या हुआ? आप नहीं लगा बढ़िया? अरे इधर से, इधर से। देखो दोस्तों मैं इस मुजोर के साथ आता है तो ये मुजोरी इतनी कर्री करता है तो मुजोरी में नहीं जीत पाएगा। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे। ये स्विमिंग पूल जो है विकास के लिए बना हुआ है स्पेशल नहाने के लिए। और ये है एकलौता फोटो खिंचाने वाला एरिया जहाँ पे हम फोटो खिंचाएंगे अभी दवा के। इसमें मगरमच्छ भी मिल सकते हैं आपको। मगरमच्छ से बच के चले, बहुत खतरनाक खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। एक ही एरिया मंगूरा पकड़ लिया और यहाँ पे हम फोटो खिंचाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं मेरी फोटो खिंचेगी यहाँ पे। एक अकेले की फोटो लो, मेरी अकेले की। हाँ बोल। तो दोस्तों हम पत्थरों पे आ चुके हैं, अब हम और आगे जा रहे हैं। ये पहला सीधे माउंट एवरेस्ट से पानी आ रहा है वाला। और ये 250 फीट का गहरा है, इसमें जाना मत। बोलो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अरे यहाँ से चढ़ना हमें ऊपर को। यहाँ को रास्ता कहाँ गुरु? अरे ये क्या हुआ? भैया मेरा फोटो लियो, भैया मेरा फोटो लियो दूर से। दोस्तों ये वाला एरिया तो हम घूम चुके हैं। माउंट एवरेस्ट से सीधा पानी आ रहा था, अब हम जाएंगे माउंट एवरेस्ट में। तो अब हम जा रहे हैं इधर को, ये दूसरे रास्ते में पतली गली से निकलते हुए। इतनी चौड़ी गली में ट्रक निकल जाएगा। इसमें कम से कम 4 बसें तो एक साथ आ ही सकती हैं। झूठ बोलो भैया। हाँ बात सोच रहे हो? क्या सोच रहे हूँ? पता नहीं कौन सी बात है, बड़ा एक्साइटेड है। बताया रात ना मेरे जाए दी थी। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, तो विकास बोला बस आगे सोच जाओ। कमेंट में बताओ कि विकास क्या बोला। विकास ने बोला ये हुलू लुलू। ये देखो दोस्तों लाइट लाइट जलाने वाले यहाँ पे ऐसे होते हैं। भाई साहब कितनी सैलरी मिल रही है तुम्हें? रैप्टर रैप्टर फेर सकते हैं हमारे। और इधर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं। डू नॉट क्लाइंब ऑन द वॉल, साफ साफ चेतावनी है। 100 रुपए का जुर्माना लग सकता है अगर कोई भी चढ़ा यहाँ पे दीवार पे। चढ़ बच जाइए, ऊपर पड़ ले। ये लिखा पढ़ने नहीं आता इसे तो। 100 रुपए मिलेंगे इसे दीवार पे चढ़ा। ये भी तो दिक्कत है, पढ़ने नहीं आता। फाइंड और अवॉर्डेड में फर्क नहीं पता ना। आजा फाइंड द फॉलोइंग। ये देख फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों आगे। वो वहाँ पे बैठ के फोटो खिंचाएंगे। कैडी कैडी भैया। ये देखो मैं इनका गाइड बन चुका हूँ यहाँ पे। बेटा आप 100 रुपये दीजिए पहले, तब आपको रोक वक्की में दे दूंगा और ब्लेड खिंचवा दूंगा तेरे। तो ब्लेड खचरे यहाँ की फोटो है वो जो तू कह रहा था। अच्छा वो वाली मॉडिफाई हो चुका है यहाँ पे अब। लेकिन गंदा पानी जैसे बह रहा है और एक वो है पानी के लिए। चलो अरे वो फोटोज के लिए है मेनली। फोटोज के लिए है वो। ट्रीटेड वाटर है भाई ये। साबुन नहीं लाए ना। तो ये देखो ये यहाँ पहुँच चुके हैं। एक ये यहाँ सो रहा है, घूम घूम के थक गया पांडा। और ये कुछ ऐसा है भाई। अरे अनुज भैया पीछे हो जाओ यार, व्लॉग बनना है क्या? व्लॉग बनने आया, कुछ भी बनने हो तुम्हारा। तेरा पूछ रहा हूं मैं, मेरा तो ना बन। हाँ हमारा व्लॉग बनने आया, तुम्हें ना पता। खींचू फोटो फोटो भाई। मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं इन्हें घुमा रहा हूँ तो इन्हें उसमें भी चैन नहीं है, मैं इन्हें मजे दिला रहा हूँ उसमें भी चैन नहीं है। तो आप देख लो क्या करना है आपके हाथों में। कब मुंह फाड़ो इनका। वो भैया पप्पा से ये पकड़ लेना है अभी। मैं भाई मुझसे बात क्या ना। तो हम इधर से जाएंगे दोस्तों, वहाँ लिखा हो उधर से जाओ, लेकिन हम इधर से जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, वापस चलो वापस चलो, रॉन्ग एंट्री। हम रॉन्ग एंट्री मार दिए थे दोस्तों। अरे यहाँ से कूदता यार मैं, आंटी ने देख लिया, नहीं कूद पाया। अन्नी बहुत सूटती मुझे अभी। झाड़ू तुझे स्वीपर बना देंगे, मार मार। ये कहाँ को लगाना चाहिए? ये पत्थर देख लो, और इस पत्थर ना माने। हेलो हेलो भाई, जाने भाई। बाबा जी लोगों ने बनाए थे। ये देखो दोस्तों ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना भैया। ये मतलब कैसे बनाएंगे इन्होंने? कपड़ों से बनाया बेटा, और कैसे बनाएंगे? कपड़ों पत्थर से होंगे भैया। पत्थर से नहीं, कपड़े से होंगे। कोई घर वाले हाँ। ये 29 × 72 BC के हैं। चलो 29 भैया कुछ कह रहे हैं। 1.5 लाख रुपये लगाया लगने के लिए। 1.5 लाख और मिलता कितना महीने का? यहाँ मिलता है 4,500 रुपये महीने। 4,000 40,000 कट बेटा आ गया। कट बटा है और ना कटे तो फिर ज्यादा तो अच्छा। तो 1.5 लाख क्या तो पापा जा पापा 1.5 लाख रुपये लगाओ बस का। 4,000 रुपये महीने के दे देते। और घूमूंगा अभी दिन रात यहीं। दोस्तों विकास की नौकरी पक्की हो चुकी है, अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। मम्मी मेरी नौकरी पक्की हो गई 40,000 रुपये महीने की। मम्मी मेरा गार्डन आ गया। मम्मी पापा ओ घर वालों गाँव वालों जलने वालों, मेरी 40,000 रुपये महीने की जॉब लग गई। दिस वे। तो दोस्तों हम बहुत आगे जा चुके हैं, अब देख लो। 1.5 लाख रुपये दिया होगा तो इन्होंने लगाने को दे देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। 4,000 मिल गई, 5 महीने में कवर सब। 4,000 मिल गई अभी तो दिन भर झाड़ू ही लगानी है यहाँ पे। अब देखो तो मार देंगे तो आराम। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता। अब देखो इसमें सांप जाएगा। ये सर बचा के हम जैसे लोगों के सर पूछ सकते हैं, बच बचा के निकलना। अब हम जाएंगे डॉल म्यूजियम। डॉल म्यूजियम फेज 3। इधर से एग्जिट है सीधे। माइंड योर हेड। दोस्तों अब डॉल म्यूजियम जा रहे हैं हम, सीधे डॉल म्यूजियम में दिखेंगे आपको। यहाँ पे दोस्तों इसने किसी का नाम लिखा, और क्या लिखा है ये? SI और नाम लिख के भाग गया ये। दोस्तों यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की तरफ डॉल म्यूजियम की तरफ जा रही है। मैं डॉल म्यूजियम में जाता हूँ, आपको सीधे डॉल म्यूजियम में डॉल्स दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों एक वाटरफॉल से तो हम आए थे, यहाँ पे आ गए हम। दूसरा वाटरफॉल है यहाँ पे, इसके बाद सीधे डॉल म्यूजियम जाएंगे। आपको इस वाटरफॉल पे हम फटाफट से 2-4 फोटोज क्लिक कराते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे दिखाता हूँ डॉल म्यूजियम। जो तो कुछ ऐसा है यहाँ पे वाटरफॉल। ये देखो, और पीछे नजारा है कुछ ऐसा। यहाँ पे स्क्रीन है दोस्तों, और ये बैठने की जगह है, और ये मेरा यार है छोटा सा, इधर को बेटे पानी में गिराओ इसे। यहाँ पे बैठो तुम, यहाँ पे सब जल्दी बैठ, बढ़िया फोटो आएगी मोटे यहाँ पे। हाँ दोस्तों, इसका ये लैट्रीन सा स्टाइल देखो पहले। दोस्तों मेरे बैग में मेरे स्केट्स, आप बोलो तो मैं चला के दिखा दूं, यहीं पे रोला जमा दूंगा, रोला। चलो दोस्तों, यहाँ पे किसी की माही किसी के पारस के साथ मिल गई थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, माही लव्स पारस ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये बल्लू मिंदर लब सुमन नुमन। आपको क्या कहना है यहाँ पे, आप किसको करना चाहेंगे, यहाँ पे क्या लिखवाना चाहेंगे? सोच में हूँ मैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी, किसका नाम लिखवाऊं? पीयूष वैट सिमरन, पीयूष ने लब दे दिया सिमरन को, और दो यहाँ पे कहाँ है गोविंद, लिख दे गोविंद। ये तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है ये। अब हम आगे चलते हैं। ये अदिति भी है यहाँ पे प्यार में, और आगे चलते हैं। अरे विकास मिल गया, ये देखो लवकुश और विकास का सिस्टम। और भी है दोस्तों, खतरनाक खतरनाक नाम है यहाँ पे। सपना भी है यहाँ पे, और ये इनका पक्का यार आना है, साथ में चलते हुए बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से जुदा नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी। हाथ में हाथ डाल के, पैर में पैर डाल के, पेट में पेट डाल के घूम रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं डॉल म्यूजियम, और डॉल म्यूजियम में मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी डॉल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की, और उसमें से कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे मच्छियों का है। ये मछली वालों के लिए लेकर जाऊंगा, यहाँ से गाँव वालों के लिए वाली मछली लेके जानी है। वो एक व्यू आ गया, और ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी खाली। और ये छोटी सोन मछली लिखा है, सोन। ये मंगूरा है यहाँ पे, और यहाँ पे खदड़ा है, और यहाँ पे वो है रेनबो और इंटू पैरट फिश, ये तोता मछली है। और यहाँ आगे चलेंगे हम, और 3 साहब ये रहे। अब हम आगे जाएंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं आगे, और ये रही वेल, वेल मिल गई जी मुझे, ये वेल मछली, ये वेल है हाँ। और ये क्रोकोडाइल मछली है, ये जो सामने डोल रही है देख ऊपर, ये तो दोनों एक सी लग रही है मुझे। अरे सीधी जो दौड़ रही है ऊपर को, और ये देख बड़े खतड़े, बड़े खतड़े, ये भैया बहुत महंगी होती होगी, बड़े खतड़े। और ये वाले गोल्डन पीस, इसका तो वजन है इतना, इसका नाम है ऑस्कर, इसका नाम है ऑस्कर, ऑस्कर ही कहना है हाँ। और ये गोल्ड फिश, तो ये गोल्ड, अरे सच में गोल्ड है, ये पहली मछली जिसका नाम मैंने सही बताया है। क्या 200 रुपए किलो वाली। अरे यहाँ पे फोयर बार, इसका रेट दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी चमकीली सोना चांदी मछली। आओ, इनके बीच में किसी को बैठाया है, भगवान शिव जैसे लग रहे हैं, और 3 मछलियां वहाँ पे सांप की तरह नीचे बैठी हैं, और 10-12 किलो ऊपर घूम रही है। और ये इनविजिबल है, अरे यो रही रास्ते में छुपी बैठी है, ये रही कहाँ है, ये कोने में चिपकी बैठी। अरे ये आशिक आ गया, आशिक आ गया, नकली कोई फिश, इसका नाम देखो, कोई फिश, कोई भी भाई साहब कुछ भी, मतलब जब कुछ नहीं रखा तो मतलब भाई साहब कुछ भी। 120 वाली है। अबे एलिगेटर, एलिगेटर गार फिश कहाँ है इसमें? तो छोटी छोटी ही तो रहेंगी। अबे छोटा मगरमच्छ वाली है। ये देखो दोस्तों, ये देखो फोन में घुसे पड़े। मैंने कुछ करा दिमाग फोन जाने वाला बेटे। फिर हमने देखा ये वाला, और फिर देखा ये वाला, और ये कर रहा है ये वाला, और फिर हम आ गए ये वाले में, इसमें हमारा सर ही नहीं है, इसमें हमारा सर ही गायब हो गया। भाई साहब क्या फायदा, हम यहाँ सर कटवाने को आए, और ये देखो, ये गट्टी हाइट वाले लड़कों के लिए जिन्हें लंबा दिखना है, स्पेशली 5 फुट का। देखो अब जैसे ये खड़ा, अब ये इसमें कितना 7 फुटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अबे नीचे कर, इसकी टांगे लंबी हो गई इसमें। दोस्तों तो शॉर्ट हाइटेड मेरे दोस्तों के लिए बढ़िया सजेशन है, यहाँ पे आके अपनी फोटो खींचो और यहाँ पे बड़े दिखो। अब हट आगे को, और यहाँ पे आओ, देखो ये और बढ़िया है। 5-5 फुटे वाले के लिए बीच में से पेटी काट दिया उनका, ऊपर ले गए और यहाँ पे बढ़िया फोटो आएगी उनकी। आगे यहाँ खींच लेना ताकि अपने आप को तुम लंबा दिख सको। और यहाँ पे जो पतले हैं बॉडी बिल्डर दिख सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे वही लॉन्ग हाइट इसमें पड़ोस वाले में इसमें खड़ा हो। देखो अभी दिखाता हूँ तुझे, ये देखो दोस्तों, मैं तो इतने दिख रहा हूँ। अब ये दिख रहा है मुझे जॉर्डन बना ली। और पतला कहाँ दिखूंगा ये तो बताओ। और इसमें तो सारी गायब हो गया फिर से, इसमें खाली पैंट दिख रही है, ऊपर की टी शर्ट तो दिखी नहीं रही। देख तेरा मुँह नहीं दिखेगा इसमें, ऐसा लग रहा है किसने उतार दी। उतार दिख तो रहा है, आ जा। अब ये वाला दोस्तों मुझे पता नहीं आपस में अड़ रहे इसमें सर हमारे। उफ, इसका मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, ये एस्थेटिक के 1-4 के लिए है। तो दोस्तों बस इतना ही है रॉक गार्डन में, ये फिनिश है, यहाँ पे एंड है। और अब हम चलते हैं सीधा अपने दूसरे जगह पे। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे स्केटिंग करनी शुरू कर दी है, अपने स्केट्स पहन लिए हैं, अब बस मैं यहाँ पे स्केटिंग करूँगा यहाँ पे। और लोग भी देख रहे रहते तो यहाँ पे देखते हैं कुछ रिएक्शन मिले तो। मार दो भाई। तो दोस्तों स्केटिंग तो हम कर चुके हैं, वो हम जा रहे हैं वापस। मिलते हैं आपसे सीधे सुखना लेक पे। किसी को और कोई जगह पता है चंडीगढ़ में घूमने की तो हमें ज़रूर बताएं, हम वहाँ पे भी जाएंगे, ट्राई करेंगे और मौज मस्ती करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि मैं यहाँ पे आके छुप गया था और ये सब भाग गए आगे। अब देखता हूँ इन्हें पीछे से पकड़ता हूँ, और ये क्या सोचेंगे बाहर जाके कि भैया कहाँ गए, गायब हो गए या नहीं। चलो बाहर जाके पता लगाता हूँ। ले दो ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ। चूड़ियों से बने हुए, और ये देख लो वो लोग आगे जा चुके हैं काफी, उनको पीछे पीछे जाता हूँ मैं। लेट्स गो। वो मुझे ढूंढ रहे हैं, देखो वो रहे, वो तीनों ढूंढ रहे हैं मुझे वहाँ। तो हम पहुंच चुके हैं सुखना लेक पे। अब तो सुखना लेक का व्यू इतना कुछ खास नहीं है, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको जाके सुखना लेक दिखाता हूँ। ये देखो फूल, पहले फूल देख लो क्योंकि तुम फूल जैसे मेरे सारे सब्सक्राइबर हो। अब पहुँच गए हम सुखना लेक। ये हमें लेने के लिए आ रहे हैं, ड्रॉप कराएंगे हम। एयर ड्रॉप छोड़ के गया ये। अब हम जा रहे हैं सुखना लेक देखने के लिए। ये हम सुखना लेक पहुंच गए दोस्तों, और यहाँ फोटोग्राफी सेशन, वीडियोग्राफी, घूमने घामने, सब चीतते आते हैं इधर। चीता बहुत ज़्यादा लोग आते हैं दोस्तों इधर, बहुत ज़्यादा। चलो इधर बोटिंग करें। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे करूँगा स्केटिंग इन सीढ़ियों पर, और पानी में घुस जाऊँगा स्केट्स पहन के। अभी दिखाता हूँ आपको 2 मिनट में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब चंडीगढ़ के सुखना लेक, और मैं यहाँ पे स्केटिंग करूँगा। स्केट्स देखो मैंने पहन लिए हैं, और अब तुम्हारा भाई भगाएगा। भैया देखते हैं, रहने दो। पानी नहीं आ रहा, पी क्या रहे हो? इतना पानी तो है, पियो। स्केट पहन के उसमें कूद जाओ। तो दोस्तों अभी हम सुखना लेक पे वीडियोस बना रहे हैं, और तरुण ने मेरे स्केट्स पहन लिए हैं और मुझे उसके जूते पहना दिए हैं जो कि साइज में छोटे हैं। देखो चप्पलों की तरह मैं इसके जूते को पहन के चला रहा हूँ, और अभी तरुण आएगा सामने से यहाँ पे और स्टंट मारेगा। रेडी, आजा। ये देखो आ गया, और यहाँ फुल फॉर्म में आता हुआ तरुण। पता नहीं कौन से ब्रेक मारेगा। रेडी, धूम। अब तरुण ऑफ ट्रैक जा रहा है, रबड़ पे जा रहा है। वो रबड़ थोड़ी चेंज है, रोड सेम रोड नहीं है, हल्का सा रबड़ की लेयरिंग है। गिर भी सकता है, देख के दबती है। हाँ ऐसे ही भैया है, बिगनर के लिए है ये। दोस्तों इस रोड पे आ चुका है तरुण और यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा, भागे चले जा रहा, भागे चले जा रहा। रुक जा भाई। और तरुण यहाँ से भागा भागा आगे की तरफ जा रहा है। बस तब तक आप व्यू के मज़े लो, मैं आपको एक बार क्लोज से दिखाता हूँ चंडीगढ़ लेक का व्यू। ये लेक वहाँ से शुरू होती है भाई, और किसी को बोटिंग करनी है तो बोटिंग भी वहाँ पे होती है। बोटिंग वाला एरिया मैं आपको एक बार क्लोज से दिखाऊंगा। यहाँ से इतनी बड़ी ये लेक है, वहाँ एंड तक जाती है काफ़ी आगे तक। और यहाँ पे साइड में पाथवेज बने हुए हैं, यहाँ पे आप चला सकते हो और नॉर्मल भी चल सकते हो। उधर पैदल चलने के लिए एक और है जगह जहाँ पे वॉकिंग वगैरह कर सकते हो आप। और मैं इस टाइम चल रहा हूँ यहाँ पे, इस पत्थर वाली जगह पे आराम से वॉक कर रहा हूँ। और तरुण आगे है, इस टाइम वापस पहुँच चुका है वो उन लोगों के पास जहाँ स्केटिंग कर रहे थे हम। गायब हो गया है अचानक से। और इस लेक में अभी यहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का नेशनल्स भी हुआ था, जो कि था कैनोइंग, बोट में बैठ के रेसिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी पुराना लेक है ये और काफ़ी शांति भी रहती है यहाँ पे। आप यहाँ पे आके घूम सकते हो। बोटिंग का टिकट ऑलमोस्ट अराउंड 300 रुपये का पड़ता है यहाँ पे। ये देखो, काफ़ी अच्छी जगह है, वन टाइम विज़िट है, बार बार तो क्या ही विज़िट करोगे आप इधर। ये देखो एक वार्निंग भी लिखी हुई है, 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा। पाथिंग, स्विमिंग एंड थ्रोइंग, लिफ्टर लिटर इन सुखना लेक इज़ प्रोहिबिटेड। 500 रुपये का जुर्माना है अगर किसी ने ऐसा किया तो। वहाँ तरुण मस्ती करते हुए आ रहा है, फुल स्पीड में एंजॉय करते हुए। और ये मार दिए इनने बिरक। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ अपनी जगह पे। अब मैं आपको स्केट्स उतारते हुए और यहाँ से निकलते हैं फटाफट दूसरी जगह पे। R1 पार्क करके एक जगह है सेक्टर 17 में, वहाँ घूमेंगे, वहाँ बताऊँगा आपको। तो अब जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ सेक्टर 17 और डायरेक्ट वहीं जाके मिलूँगा। देखो दोस्तों तरुण ढूंढ रहा है, इसे हम दिखते हैं नहीं देखते हैं, वो घूम रहा है।